नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको फार्म ट्रक 65 2009 मॉडल ट्रैक्टर दिखा रहा हूं। भाइयों देख सकते हैं आप लोग, ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल है। और पहले आप इस ट्रैक्टर का कलर देखिए, कितना अच्छा कलर है, पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल है। और ये पावर स्टीयरिंग में है, आगे टायर के 750/16 के हैं गुडियर के, ठीक है जी। सिंगल एक्टिंग वाला इसमें पावर स्टीयरिंग है। और इस ट्रैक्टर में आपको तेल वाले ब्रेक मिलते हैं, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है ऑलिमस्ट ब्रेक। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, माइक्रोबॉस का इनलाइन पंप है इसमें। ये आपको हाईलक्स का वाटर सेपरेटर मिलता है, ये इसके डीजल फिल्टर दिए हुए हैं भाइयों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके जो पायदान ऊंचे वाले इसमें आपको पायदान मिलते हैं। सेंटर ये ट्रैक्टर है। और भाइयों ये ट्रैक्टर लगभग 8500 घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है, ठीक है जी। और अभी तक इसका जो इंजन है, पूरा इंजन ओरिजिनल है, कोई चाबी नहीं लगी, बस इसकी सर्विस होती है टाइम पे। और लगभग इस ट्रैक्टर से 40 एकड़ खेती करते हैं किसान भाई। इसकी जो लाइटें हैं काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में। और ये टॉप मॉडल ट्रैक्टर है, ये इसका टैंडम पंप है, ठीक है जी। डुअल क्लच ट्रैक्टर है। और भाइयों भाई ने इस ट्रैक्टर की क्लच में बदलाव किया है, इसमें जो क्लच प्लेट है फार्म ट्रक 65 में जो प्रॉब्लम आई थी क्लच में आई थी, तो इसमें इन्होंने फार्म ट्रक 60/55 की क्लच प्लेट डाली है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 2014 के आसपास इन्होंने क्लच प्लेट चेंज की थी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है जी। बाकी इसकी जो सीट है ये भी एडजस्टेबल है। और इसके जो टायर हैं बैक टायर, इसमें अब इन्होंने 15/28 के टायर डाले हैं। पहले ट्रैक्टर में 16 के टायर आए थे, देख सकते हैं आपको लग रहा होगा इसमें 16 के टायर थे, तो इसमें इन्होंने टायर में बदलाव किया है, ठीक है जी। बाकी ये इसका साइलेंसर है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर देखने में लगता है। लुक वाइज तो ट्रैक्टर मुझे बहुत पसंद है, अगर आप भी इसे चला रहे हैं तो आप बताएं इसके बारे में। बाकी इसकी एक मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो डाली है किसान भाई के साथ में, वो देखना, 25 मिनट की वीडियो है, ठीक है जी। ये ट्रैक्टर का छोटा स्टीयरिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और ये इसके मीटर हैं। इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है 1800 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। ये इसका पीसीडीसी लीवर दिया हुआ है भाइयों। ये इसके हाई लो हैं 8+2। और ये इसका टूल बॉक्स है, ये शायद चेंज करवाया है भाई ने। बाकी ये इसका पीटीओ लीवर हो गया, इसमें आपको 48 HP की पीटीओ पावर मिलती है, ठीक है जी। बाकी मडगार्ड वगैरह इसके ओरिजिनल है, यहाँ पे सेफ्टी जाल लगा हुआ है, यहाँ पे स्टिकर भी है रिवर्स पीटीओ। और ये इसका पिछला हिस्सा EPI, भाई पिछले हिस्से में भी कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा कंप्यूटर बेड पे ट्रैक्टर चलता हुआ, सभी काम खेती ही करते ही हैं इससे। और ये इसकी लिफ्ट लिंकेज है, ये भी ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है जी। ये फाइबर का टूल बॉक्स है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी है इस समय ट्रैक्टर में लगे हुए, ठीक है जी। तो भाइयों देखा आपने, ये था आपके सामने फार्म ट्रक 65 EPI। और अब मैं आपको ट्रैक्टर की साउंड भी सुनवाऊंगा, तो जिसके पास भी ये ट्रैक्टर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप ट्रैक्टर के बाद दूर से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है जी, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। तो भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।